आपका कोई हाथ काटे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? बोलो, बुरा लगेगा ना। अच्छा, कोई आपकी उंगली काटे हो, बढ़िया नमक मिर्चा डाले, कटी हुई उंगली पर, कैसा लगेगा? बोलो ना, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा क्या? शरीर फड़फड़ाएगा कि नहीं? करंट लगेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? तो जिन जीवों को हम काट करके खाते हैं उन पर क्या बीतती होगी, विचार करो। हम दूसरी बात आपसे पूछते हैं, क्या तुम किसी को जीवित कर सकते हो? क्या किसी मृतक व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? अगर आप मृतक व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते तो ये अधिकार तुम्हें किसने दिया कि जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाए? अगर आप जीवित नहीं कर सकते, ये क्षमता नहीं है, तो मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? कौन ही आपको अधिकार देकर गया कि जीवों को मारो, जीवों की हिंसा करो, जीवों को मार करके खाओ? मेरे साधु, किसी ने अधिकार नहीं दिया। इसलिए आज की कथा में तुम गांठ बांध करके जाओ कि स्वप्न में भी, भूल कर भी, किसी भी जीव की हिंसा मत करना। स्वप्न में भी, भूल कर भी तुम किसी जीव की हिंसा मत करना। जीव की हिंसा करोगे घाटा खाओगे, आज नहीं तो कल खाओगे। ये संसार कर्म प्रधान है, लौट करके आता है। आज जो तुमने किया है कल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें लगता है ईश्वर नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कि हम तो बहुत बंद कमरे में, बंद पर्दे में काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। ये प्यारे तेरी भूल है, ये तुम्हारी एक सटता है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। वो जो दुनिया को बना रखा जिसने, वो सब कुछ हर पल देख रहा है। वरना आप विचार करो, लाखों करोड़ों लोग आज तक इस पृथ्वी पर आए, लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी से गए, आज तक कोई भी पुलिस चौकी भगवान ने नहीं बनाई है, भगवान के द्वारा निर्मित। पर आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन जाते हैं, पर क्या एक भी वस्तु इस संसार से लेकर जाते हैं? कुछ लेकर जाते हैं? कुछ भी लेकर नहीं जाते। जैसे आते हैं वैसे जाते हैं। इससे सिद्ध होता है मेरे पागल, मेरे साधु, कि भगवान की लीला अद्भुत है। वो हर पल देख रहा है, और देख रहा है तो जो किया है वो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो कर्म पर सावधानी आज से ही रखना प्रारंभ कर दो। गिरिधर कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसा, जग में होते हंसा। जो बिना विचारे करता है वो भोगता है, पछताता है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी पीने से ना ताकत आ जाती है। हमने कहा मतलब? महाराज जी कोई बात बोलनी हो ना तो साधारण ना बोल पाओ तो थोड़ा सा ले लो, फिर ताकत देखो। हमने कहा नक्कटा, ठठरी के भरे, इसका मतलब तू बुजदिल आदमी है, इसका मतलब तू बहुत कमजोर आदमी है। दूसरे के सहारे पर बोलता है, बोलना ही है ना, तो अपने खुद के सहारे पर बोलना सीख।